हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सीमेंट का बोरा है, सीमेंट का बैग। तो यहाँ पे मतलब छत जो ढलाई हुआ था उसका बहुत सारा बोरा था। तो मैं इसको ना कोई काम का चीज़ बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बोरा को मतलब जोड़ जोड़ के और एक चट्टी बनाऊँगी, चटाई। तो मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी मशीन से। तो मैं, मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से सिलाई कर लूँगी। अगर आप लोग के पास अगर मशीन नहीं है, जिसके पास नहीं हो रहता है, तो वो लोग सुई धागा से भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। ऐसे देखिए, दो बोरा को ऐसे जोड़ करके दोनों साइड से काट देंगे और दो बोरा को ऐसे जोड़ देंगे, और जोड़ के उसके बाद सारे बोरा को जोड़ लेंगे। अब आपको यहाँ फ़र्क इतना रहता है ना कि मतलब मशीन से जल्दी हो जाता है, हाथ से टाइम लगता है। ये देखिए, मैंने 3-4 बोरा को ऐसे मुंह में मुंह जोड़ के सी लिया है। उसके बाद सारे को इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो आपको जितना लंबा चौड़ा चाहिए उस हिसाब से मतलब कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से मतलब सिलाई की हूँ ताकि ये धागा जो है, बोरा का धागा प्लास्टिक, वो मतलब बाहर नहीं आना चाहिए, तो पूरे उघड़ जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब खूब अच्छा से मतलब इस पर सिलाई किया हूँ। हाथ से भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बनके तैयार हो गया है। तो एक मतलब एक मैं 3-3 बोरा को ली हूँ, एक 9 बोरा का, एक 16 बोरा का, इस तरीके से मैं बनाई हूँ। तो जितना लंबा चौड़ा चाहिए उस हिसाब से। तो ये कोई गेहूँ धान सुखाने के लिए या सोने के लिए बहुत सारा काम होता है जो इस पर। हेलो फ्रेंड, तो मैं आज शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं और आयुष छत पे आ गई हूँ। ये देखिए, छत पे आयुष हम बैठे हैं। तो आज कोई आने वाला है तो मैं उसे मिलाऊंगी। मेरा मायके से कोई आने वाला है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि कौन आने वाला है, देखना जरूर। नाना। कौन आने वाला है? नाना। नाना। हाँ, नाना। नाना। हाँ। क्या लेके आएंगे? चंपापली। और क्या लेके आएंगे नाना? मिठाई। अच्छा, तो इंतजार कर रहा है तू? हम तीन आ गया था ना। क्या लाने? रात में हम नाना आने वाले मुझे घर पे। आपके घर पे नाना आने वाले हैं? हाँ। अच्छा, कब आएंगे? बहुत लेट हो गया। आएगा तो हम ले चूबर में आएगा कॉल, तब मुझे कॉल पे आ जाएगा, तब आलू हम मुझे मन देगा मन। अच्छा, हो गया हो गया हो गया। तो चलिए फ्रेंड, मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ठीक है? मुझे हाय बोल दो बेटा। हाय। 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 थोड़ा देर में मिलती हूँ। थोड़ा देर में मिलती हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप वीडियो में बने रहो। पूरा देखना। पूरा देखना। ओके। तू भी दिखा दो। ए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बज चुका है और मेरे पापा अभी तक नहीं आए हैं। उनको कुछ काम था रास्ते में, तो वही करवा रहे हैं। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी मतलब क्या लेके आए हैं मेरे पापा। और यहाँ पे देखिए, मंच, आयुष का मंच है, इसी के लिए एक्साइटेड हो रहा था आयुष। और हम लोग के गांव में ना, मेरे मतलब घर के पास ही मतलब ये बिकता है खान पीने का सामान, तो वही मेरी मम्मी खरीद के भेज दी है, मुरमुरा और ये फोफी ये सब, और ब्रेड लिट्टी ये सब मतलब खरीद के भेज दी थी। हमेशा मैं तो मेरे लिए भेज देती है, तो वही दिखा रही थी मैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये हाँ यही मैं बता रही थी, ये लिट्टी सब है, ब्रेड पकौड़ा लिट्टी जो। और यहाँ पे खजुरिया है, ठेकुआ, जिस ठेकुआ बोलते हैं, खजुरिया वही है। और कुछ भी था, सिर्फ मतलब खाने पीने के सामान सब यही सब लेके आए थे। ठीक है बेटा। और क्या सब लेके आए थे?
तो आयुष को, आयुष तो सिर्फ आयुष के लिए भी एक सामान लेके आए हैं, तो आयुष तो उसी में खुश है अभी। और यहाँ पे कुछ मिठाई उठाई भी थे तो वही में दिखा रही थी। यहाँ पे देखिए ये कुछ मिठाई हैं, और ये गोल वाला जो है ना, वाइट वाला, तो वो अभी कुछ है रस भरा रसगुल्ला है या कुछ है, क्या बोलते हैं इसको, छोटा छोटा रहता है रसगुल्ला की तरह, वो वाला है। और ये सूखा मिठाई सब, तो बस यही सब था। खाने पीने का सामान सब लेके आए थे, नमकीन मिक्सचर ये वाला सब, तो यही सब था। मेरे पापा ना बहुत काफ़ी लेट आए हैं, और मेरे वीडियो में ना पहली बार मतलब आए हैं, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से। तो ऐसे में बात मिलाती हूँ अपने पापा से, बात नहीं कराऊँगी, सिर्फ मतलब दिखाऊँगी। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आयुष का सामान क्या है, आयुष के सामान। तो चलिए दिखाती हूँ अभी एक सेकेंड में। यहाँ पे देखिए आयुष का गाड़ी, इसी का मैं बात कर रही थी, तो ये आयुष के लिए गाड़ी लेके आए हैं। और आयुष इस गाड़ी को देख के इतना खुश है, उसके पास ना बहुत सारा खिलौना है, एक मतलब जेसीबी है, एक ये गाड़ी तो हो गया, एक बस है, मतलब बस इतना सामान है ना उसके पास, फिर भी मतलब सारे खिलौना को उसके आगे में फैल है, आप पूरे छोड़ के भी सिर्फ मोबाइल के ही पीछे पड़ा रहता है लड़का साहब। मतलब मेरा ही बच्चा नहीं, सबका बच्चा करता है कि चाहे उसको कितना भी खिलौना खरीदो, कितना भी कुछ खरीदो, लेकिन सब कुछ छोड़ के मोबाइल को ही देखेगा। तो एक ना कुछ मोबाइल ज़्यादा ही देखता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पापा हैं, तो ये मेरे पापा उनको उसको बता रहा है उसको कैसे से चलाओ। और वो ना अभी अभी खोला है, तो उसको मन हो रहा है कि कैसे चलाऊं कैसे नहीं चलाऊं, तो बस ऐसे ही जैसे मन हो रहा है वैसे चला रहा है। और यहाँ पे देखिए मानसी के, मानसी तो मैं यहाँ पे आयुष को बोली कि हाय बोलो, हाय बोलो, तो हाय बोल रहा था आयुष। और ये मेरे पापा के मोबाइल में देख रहा है कार्टून। मेरे पास तो अभी एक ही फ़ोन है, तो मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो उसको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे पापा सो रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा मतलब ये बुखार उखार आ गए हैं, फीवर, क्योंकि ये ना कोरोना वायरस का वैक्सीन सुइया लिया था, तो वैसे सुइया की वजह से ना उनको मतलब बुखार आ रहे हैं। मैं दो चार दिन पहले लिए, लेकिन दो चार दिन पहले कुछ नहीं हुआ उनको, ना तीन चार दिन के बाद मतलब बुखार लग रहा है, तो थोड़ा सा वो आराम कर रहे थे। और ये दोपहर का टाइम है, हाँ 11-12 बज रहा था दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए आयुष के साथ मस्ती चल रहा है, यहाँ पे मानसी को देखिए। तो मैं अपने पापा से तो नहीं मिला पाई आप लोग को, सिर्फ दिखाई हूँ। तो चलिए कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरे फैमिली से भी मिल के अच्छा लगा होगा आपको। और जब मैं अभी मेरे भाई सब घर पर नहीं है, जब होंगे तो मैं सबसे मिलवाऊंगी।